टॉरस और कैप्रिकॉर्न की कंपैटिबिलिटी को देखा जाए तो दोनों का अनासिर सेम यानी कि मट्टी बनता है। इस तरह दोनों एक दूसरे से तकवियत पाते हैं और इल्मे नजूम के कवाद के मुताबिक दोनों बरूज के दरमियान मुवाफिक जाविये नज़र मौजूद है। कैप्रिकॉर्न से पांचवें नंबर पर होने की वजह से टॉरस इसका महबूब और टॉरस से नवा बुर्ज होने की वजह से कैप्रिकॉर्न सौर के मंसूबों की तकमील करने वाला है। कैप्रिकॉर्न शख्सियत अपने मुस्बत पहलुओं में अमली और कारगुजार, मुस्तकिल मिजाज, मावन, कम गौर मेहनती है, जबकि इसके मनफी पहलू सर्द मोहरी, खुदगर्जी, कभी कभी शक, मज़ाहमत, यास या गैर जज्बाती और ज़िद्दी होना भी है। कैप्रिकॉर्न और टॉरस के दरमियान एक काबिले तमाद शराकत कायम हो सकती है। इन दोनों बरूज में अमलियत पसंदी पाई जाती है। दोनों बहुत सी चीज़ों और मामलात के बारे में यकसा ख्यालात रखते हैं। दोनों में अपनी मंजिल तक पहुंचने की लगन रहती है। मकसद के हसूल के बाद इन्हें बहुत सुकून और तहफ्फुज का एहसास होता है। दोनों में फनकाराना सलाहियतें मौजूद हैं। दोनों मौसीकी को पसंद करते हैं। टॉरस अफराद एक बड़ी गहरी हिस्से मज़ा पाई जाती है, जबकि कैप्रिकॉर्न अफराद में भी एक तरह की मज़े का खेज और अजब सी हिस्से मज़ा मौजूद रहती है। दोनों की शराकत और इत्तेहाद दौलत कमाने के लिए भी शानदार साबित हो सकता है, और इन तमाम खूबियों और यकसा आदात के बावजूद इनका बाहमी ताल्लुक बाज़ औक़ात बोरियत का शिकार भी हो सकता है। और इसकी ये वजह होती है कि बाज़ औक़ात टॉरस हज़रात या ख़वातीन अपनी लगातार मेहनत, जद्दोजहद या कामयाबियों के बाद कुछ उकताहट का शिकार हो जाते हैं या मज़ीद बुलंद हौसलगी इनमें मनकूद हो जाती है। इस सूरत में कैप्रिकॉर्न बहुत कशमकश और हैजान की कैफियत में मुबला हो सकता है।